हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत ने न्यूजीलैंड को मुंबई टेस्ट के चौथे दिन 372 रनों के विशाल अंतर से हराते हुए इतिहास रच दिया और ये उसके रनों के मामले में देखिए सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले उसने साउथ अफ्रीका को दिसंबर 2015 में 337 रनों से हराया था और इस जीत के साथ ही भारत ने टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में मिली हार का बदला भी ले लिया है, जबकि सीरीज पर 1-0 से कब्जा कर लिया है। तो 540 रनों के भारी भरकम लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड टीम की दूसरी पारी 137 रनों पर। तो ये भारतीय टीम के घर में देखे लगातार 14वीं टेस्ट सीरीज जीत भी है। और तो इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि मैच के तीसरे दिन टॉम्स के समय हेनरी निकोल्स 36 और रचिन रविंद्र 2 रन बनाकर क्रीज पर थे, लेकिन मुंबई टेस्ट एम्पायर्स के फैसलों की वजह से भी चर्चा में है। DRS के जरिए देखे कई बार एम्पायरों के फैसलों को बदलना पड़ा था और इस बीच भारतीय कप्तान विराट कोहली भी तीसरे दिन एम्पायर के एक फैसले पर भड़क गए। अब देखिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विराट कोहली ये कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं यार ये लोग, मैं उधर आ जाता हूँ तुम इधर आ जाओ। तो ये घटना देखिए न्यूजीलैंड की पारी के 16वें ओवर की है और उस समय गेंदबाजी की कमान अक्षर पटेल के हाथों में थी और ओवर की तीसरी गेंद रॉस टेलर और विकेटकीपर रिद्धिमान साहा दोनों को चकमा देते हुए विकेटकीपर के पीछे बाउंड्री की तरफ चली गई, लेकिन एम्पायर ने देखिए बाई के 4 रन नहीं देते हुए बल्लेबाज के खाते में रन दे दी। और देखिए एम्पायर को लगा कि गेंद बल्लेबाज के बैट से लगकर थाई मैन की बाउंड्री की तरफ गई है, लेकिन कोहली एम्पायर के इसी फैसले से न